इस सौदे के बारे में बिंदिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे ये लगना चाहिए कि तुम अपनी इच्छा से उससे ब्याह कर रहे हो। अमर की अधूरी है। I don't believe it. इतनी आसानी से आपने जवाब दे दिया, खुद क्यों नहीं समझ पाई इसको? Thanks, thanks शंभुनाथ जी, आपने बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता। और ये बात मुझे अब अमर को बतानी होगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। Thanks. मैं वादा कर रही हूँ तुमसे, ये दिव्या अमर के ख्यालों में भी नहीं आएगी। आप आइए ना, अंदर आइए। माफ करना बेटी, तुम्हें इस तरह खुशी से दौड़ते हुए अंदर आते देख हम एक दूसरे को रोक नहीं पाए। हमें लगा कि हम भी तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाते, इसलिए यहाँ आ गए। लेकिन कुछ पल पहले जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी थी वो अब जैसे उड़ सी गई। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम हमारे साथ अब तक घुली मिली नहीं हो, पर हम आपको इतना यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप अपनी मन की बात हमारे सामने कह सकते हैं, क्योंकि हम भी आपके माता पिता की तरह ही हैं। बेटी, जिस तरह तुम अंदर खुशी के मारे दौड़कर आई और अब जिस तरह तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, जज्बात के ऐसे उतार चढ़ाव तो एक ही सूरत में होते हैं जब इंसान को किसी से प्यार हो जाता है। अगर बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकती हूँ कौन है वो? ऐसे इंसान के बारे में क्या बात करना जो हासिल ही ना हो सके, जो अपने खुद के पहुंच से बाहर हो, इन बातों का क्या फायदा होती? कहते हैं कि ऊपर वाले ने हर इंसान के लिए कोई एक इंसान बनाया, और अगर आपको वो इंसान मिल जाता है तो उसे खोना अच्छी बात नहीं। अपने मन का एक फैसला, अपने मनमीत पर और इस भगवान की विधि पर नहीं थोप सकते। बेटी, अपने प्यार को अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो कितने जन्मों से आपके साथ हो। आप लोग सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, आज आप लोगों ने बिल्कुल मेरे मॉम डैड बनकर मुझे सब समझाया है। मैं हमेशा आपकी बातों को याद रखूंगी। थैंक यू मुझे प्यार का मतलब समझाने के लिए। खुश हो, आओ।
नमस्ते, मैं दिव्या। कैसी हो बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी। चिंटू कैसा है? हाँ, चिंटू भी पहले से ठीक है। और बाकी सब? बाकी सब भी अच्छे हैं। आशा बहुत खुश है क्योंकि आज अमर की सगाई हो रही है। अमर की हेलो हेलो दिव्या बेटी, आप अमर को मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा। अरे बेटा, ये काम तुम स्वयं खुद ही कर दो, मैं अमर को फोन देता हूँ। अमर बेटा फोन। हेलो, सगाई हो रही है। कांग्रेचुलेशंस। मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी कि तुम हमेशा मेरा प्यार काफी नहीं था तुम्हें यहाँ रोकने के लिए। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अगर मेरा कभी भी कोई अच्छा दोस्त बना है वो सिर्फ तुम ही हो। तुमसे बेहतर तो मेरा कभी कोई दोस्त नहीं था ना। मगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसी बात नहीं है सम्राट, प्यार करती हूँ तुमसे, पर एक अच्छे दोस्त की तरह। I'm sorry to say, पर मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा सम्राट। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने आज तक मुझे एक दोस्त के अलावा और कुछ भी नहीं समझा? हाँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो। रीवा, come on. मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम थोड़ा वक्त साथ रहेंगे ना, I'm sure तुम मेरे बारे में वो सब महसूस करना शुरू कर दोगी। यार, जानते हो ना सम्राट, हम और वक्त एक साथ नहीं गुजार सकते हैं। मुझे जाना है वापस लंदन। दीवा, तुम यहाँ भी तो रह सकती हो। बस बस मुझे शादी कर लो यार। डीवा, मैं चाहता हूं तुम मुझसे शादी कर लो। डीवा, चाहे तुमने मुझे कभी उस नजर से नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें उस पहले पल से, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें चाहता हूं डीवा। और हजार बार जी चाहे इस दौरान कि मैं आकर तुमसे अपने दिल की बात कह दूं, पर यार कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। पर आज तुम्हें जाता हुआ देखा, बस
जैसे मेरी सांसें रुक गई। इवा मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूँ यार। जस्ट गिव मी वन चांस, एक मौका दे के देखो। आई स्वेयर मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि बस खुद ब खुद मुझसे प्यार करने लगोगी यार। I love you. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Will you marry me? अमर की सगाई हो रही है। अमर की सगाई हो रही है। Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? अमर की सगाई हो रही है। मैं अपनी जान भी दे सकता। अमर की सगाई हो रही। Will you marry me? Will you? Yes. 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 Thanks a ton. You are done. Thanks a ton. मेरा यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन यही है। Come on, चलो। अरे कम ऑन, चलो आओ यार, आ जाओ आ जाओ। क्या देख रही? अरे हम सफाई कर रहे थे तो ये फ्रॉक मिली है, दिव्या की ही है ना? अब क्या करें इसका? ये हमें दे दीजिए, ये हम अपने पास रखेंगे दिव्या जी की निशानी के तौर पर। वो हमारे साथ नहीं तो क्या, ये उनकी याद बनकर ना हमेशा हमारे पास रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उस मनुष्य की कोई चीज घर में नहीं जिसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमें बेइज्जत किया है। भला इसी में कि आप लोग सब भूल जाएं कि हम कभी ऐसे मनुष्य से मिले भी थे। शायद सही कह रहा है अबर, दिव्या ने हम सबके साथ जो भी किया सही नहीं किया। हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा आखिर दिव्या ने ऐसा किया क्यों। ये बात सिर्फ हम जानते हैं चाची कि दिव्या जी ने ऐसा क्यों किया, सिर्फ हम जानते हैं। इलेक्शन सर पर है, मीडिया की नजर सिर्फ मुझ पे नहीं मेरे पूरे परिवार पर होगी। किसी की एक छोटी सी गलती भी मुझे बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रहे। बड़ी माँ, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, आज दिव्या वापस जा रही है और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि ऐसे में तुम कितने अपसेट हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो आया है उसे वापस जाना भी तो होगा। गुड बाय दिव्या।
दिव्या वापस जा रही है शायद, इसलिए उसने मेरे पैर छुए। लेकिन तुम तो सिर्फ एयरपोर्ट जा रहे हो ना, तो फिर ये नहीं। बड़ी माँ, ना मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ ना दीवा लंदन जा रही है, ये भी यही रहेगी। दीवा ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। जीते रहो। अरे हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। एक कन्या तुम्हारे विनाश का माध्यम बनेगी। तुम्हारी जड़े यही है, और तुम्हारा भविष्य इस घर से जुड़ा हुआ है। लगता है बड़ी माँ को खुशी नहीं हुई ये बात सुनके। इतनी बड़ी बात तुमने यूं अचानक हम सबके सामने रख दी, समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट करूं। महुआ बच्चों को पूजा घर ले जाओ, सबसे पहले जाकर भगवान जी का आशीर्वाद दे दो। दीप, दी क्या हो रहा है? सम्राट ने दिव्या को वापस जाने से रोक लिया, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन उसने उसे इस घर की बहू बनने के लिए राजी भी कर लिया। दीप, मुझे तो लगता था दिव्या इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी, लेकिन दी अब क्या होगा? होगा वही जो सिंदूरा सिंह चाहेगी। ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, कभी नहीं। आजा चिंटू, तू भी लगा ले हल्दी। इतनी सारी औरतों को देख के शर्मा गया होगा। सही बोलता है। अभी समय है दादा, जानते कि आप दिव्या दीदी से प्यार करते हैं, बिंदिया दीदी से नहीं। हम उनसे प्यार नहीं करते, मर चुके हमारे लिए। हमारे मन में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ घृणा है।
हमसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कैसे समझाएंगे? आप भी ये जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। अभी भी वक्त है दद्दा, मना कर दीजिए शादी से। किसी का फायदा नहीं होगा इस रिश्ते से दद्दा, उल्टा तीन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, एक आपकी खुद की, एक बिंदिया दीदी की और एक दिव्या दीदी की। मत होने दीजिए ऐसा दद्दा, रोक दीजिए शादी को। चिंटू,